नमस्कार, मैं हूं अंशिता श्रीवास्तव और स्वागत है आपका अपने चैनल न्यूज 81 एंटरटेनमेंट में। आइए रुक करते हैं हमारी संवाददाता की एक खास रिपोर्ट पर। हम सबको बहुत अच्छे से पता है कि प्लास्टिक हमारे जीवन के लिए, पर्यावरण के लिए कितना खतरनाक है, और अब तो सोशल मीडिया पर भी सारे दिन इसके मैसेज चलते रहते हैं, व्हाट्सएप पे, फेसबुक पे, कि ये सबसे बड़ा तो कैंसर का कारण है और दूसरा हमारे पर्यावरण को भी पूरी तरह से दूषित करता है। उर्वरा शक्ति धरती की जो भी सब इससे खत्म होती जा रही है, नालियां सीवर सारे जाम हो रहे हैं, लेकिन उसके बावजूद भी हम इसके उपयोग को रोक नहीं पा रहे हैं और ना इसे छूट पा रहे हैं। तो मन में आया कि एक शुरुआत कहीं से तो करनी होगी, नहीं तो आने वाले समय में तो ना तो इस कचरे को फेंकने की जगह रहेगी और ना ही धरती पर रहने वाले जीवन के लिए कोई अच्छी पर्यावरण और दूषित शुद्ध हवा रह पाएगी। इसमें प्लास्टिक वैसे तो हम पूरे दिन भर में देखें तो हमारे जीवन में इतना ज़्यादा यूज़ होता है, हर चीज़ हम प्लास्टिक की, हमारा सामान हमारे घरों में भरा हुआ है, लेकिन एक सबसे पहला कदम जो मुझे उठाने का एक मन में आया कि जो छोटी प्लास्टिक की थैलियाँ हैं उनको यदि हम हटा दें, क्योंकि खाने पीने के सामान में वो ही ज़्यादा संपर्क में आती है, सब्जी फ्रूट आता है उनमें, उन्हीं को हम एज इट इज़ फ्रिज में रख देते हैं और कुछ खाने पीने की और भी वस्तुएं इधर से उधर जो भी बाजार से भी आती है उन्हीं में आती है, हम भी उन्हीं में ऐसे ही रख देते हैं, वो उनके संपर्क में रखे हमारा जो खाने पीने की सारी चीज़ें वो सब इतनी दूषित हो जाती है। तो मुझे लगा कि पतली वाली जो 50 माइक्रो से पतली थैलियाँ हैं उनको यदि एक बार हटा दिया जाए, शुरुआत उनसे की जाए, तब भी इसमें बहुत बड़ा बदलाव आएगा। और हमने इसके लिए एक मुहिम चलाने की सोची, लेकिन उससे पहले यही था कि यदि इनको हटाया जाए तो ये कैसे हटेगी, कैसे इनकी शुरुआत की जाए। मैंने अपने पारिवारिक सदस्यों के साथ में और भी दूसरी सामाजिक संस्थाएं जो हमारी जिनमें काम कर रहे हैं साथ साथ में, उनके मेंबर्स के साथ इसका मैंने डिस्कशन किया और एक ही चीज़ थी कि जिस तरह हम आज के 20-25 साल पहले जब भी शॉपिंग करने जाया करते थे, कपड़े का थैला लेके जाया करते थे और उसमें सब वो हमें सामान दुकानदार भी दे दिया करता था, लेकिन चूंकि धीरे धीरे जब वहाँ से प्लास्टिक की थैलियों में हमें सामान मिलने लगा तो हमें भी अच्छा लगने लगा कि घर से भी थैला नहीं लेके जाना है और प्लास्टिक की थैलियाँ भी मिल रही है साथ में। लेकिन वही प्लास्टिक की थैलियाँ कहते हैं कि जो हमारे सुख के संसाधन होते हैं वही दुख के कारण बन जाते हैं, यही चीज़ प्लास्टिक की थैली में हुई और वही प्लास्टिक की थैलियाँ कचरे में जाके, इतना ज़्यादा कचरा बढ़ गया है इस पूरे हमारे पृथ्वी पर कि यदि उसको नहीं आज हटाने की हम सोचेंगे तो बहुत मुश्किल हो जाएगी। और हमने उसके लिए पहले तो एक अल्टरनेटिव किया, हमें कपड़े का थैला ही हाथ में ले, बहुत उसके लिए मेहनत की और सस्ते से सस्ता थैला बनवाने की एक काम शुरू हुआ। जब थैला हमारे हाथ में आ गया तो हमने सबसे पहले पार्कों से शुरू किया, पार्क में जाके सुबह सुबह योग करने वाले बहुत सारे ग्रुप्स चल रहे होते हैं, सत्संग करने वाले ग्रुप्स होते हैं, उनसे हमने कहा कि हम एक अपील आप लोगों के पास लेकर आए हैं और इस तरह सारी उनको बात बताई अपने मन की, एक एक थैला उनको दिया और साथ में बोला कि ये थैला आपके ऊपर एक कर्ज है, आपको भी आगे एक थैला, दो थैला, पांच थैले जो आप दे सकते हो अपने आसपास में, कॉन्टेक्ट्स में, रिलेटिव्स, नेबर्स जो भी हैं उन सबको देखकर उन्हें अपनी बात बताएंगे, उनसे अपील करेंगे और प्लास्टिक की थैलियों का उपयोग रोकने में इसमें सहयोग करेंगे। और सबको ये बात इतनी पसंद आई कि हम इसमें पूरी तरह से आपके साथ हैं। मैं आपको बता दूं कि इतना बड़ा सपोर्ट मिलेगा इसका तो हमें भी उम्मीद नहीं थी, बहुत सहयोग मिला सभी लोगों का और वो सब इसमें साथ जुड़ने को तैयार। धीरे धीरे पहले एक बार लोगों में आदत पड़ जाए, ये थैलियाँ दूर हो जाए हमारे जीवन से, क्योंकि सबसे ज़्यादा तो यही घर में आती है, रोज़ शॉपिंग पर जाते हैं बहुत सारी थैलियाँ आ जाती है और उनमें हम सबसे ज़्यादा उनका यूज़ करते हैं कि कूड़ा फेंकने के काम आती है, एक सबसे ज़्यादा वो एक सेटिस्फेक्शन मिलता है कि इसी में कूड़ा डाल के हमने फेंक दिया। होता क्या है कि वो एक तो गलती नहीं है, पहले कागज़ की थैलियाँ होती थी गल जाया करती थी, प्लास्टिक की थैलियाँ ना गलती है ना ख़त्म होती है और कूड़ा उन्हीं में पड़ा सड़ता रहता है, नीचे गिरेगा यदि मिट्टी में गिरे तो वो कम से कम डंप होए, वो खाद मिट्टी बन जाए उसकी। तो पहला तो ये कदम था कि इन थैलियों को हटाया जाए, उससे बहुत बड़ा चेंज हो जाएगा। लेकिन आप बिल्कुल सही कर रहे हैं, दूसरे जो कंटेनर्स हैं हमारे सामान रखने के, पानी की बोटल्स हैं, टिफिन हैं,
इस तरह की बहुत सी चीजें जो हमारे रोजमर्रा में काम आ रही है, धीरे 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 उनके भी अल्टरनेटिव्स हमें सोचने पड़ेंगे और सबके सॉल्यूशन निकल आएंगे। जब हमारे मन में प्रबल इच्छा होगी कि प्लास्टिक हमारे जीवन से दूर होना ही चाहिए, क्योंकि इसके दुष्परिणाम हमने बहुत देख लिए हैं और सभी जानते भी हैं, सब उनसे परिचित हैं, पर बस वो ये कि अपनी आदत में सुधार लाने वाली बात है। तो उनके भी अल्टरनेटिव दूसरे साधन हमारे सामने रहेंगे। स्टील का हम टिफिन काम में ले सकते हैं, रैपिंग के लिए भी जैसे एल्यूमिनियम फॉइल को हटाकर कपड़े की या कागज की रैपिंग हम ले सकते हैं। सब्जियां रखने के लिए भी डायरेक्ट हमने छोटी थैलियां वो भी बनाई है कपड़े की, उनके अंदर डाल के रखेंगे तो सब्जियों का मॉइस्चर भी वो सोख लेगी, उनको हवा भी लगेगी और दूसरा वो उनमें बैक्टीरिया नहीं लगेंगे तो सब्जियां उनमें सेफ रहेगी पूरी तरह से। इसी तरह पानी की बोतल के लिए भी स्टील की बोतल, मेटल की हो तो ज़्यादा बढ़िया है। अब धीरे धीरे उन सब के साधन आ जाएंगे, ये तो एक शुरुआत है, आगे जैसे जैसे इसको बढ़ाएंगे वो सब साधन भी लोगों के सामने लाएंगे, उनको बताएंगे, तब हमारा तब ये सब चीज़ थोड़ी सी जीवन से दूर होगी। और दूसरा हमारा महिला संगठन, अनेक दूसरे सामाजिक और धार्मिक संस्थाएं जितने भी है, हर मंदिर से हर गुरुद्वारे में हम जाके ये जहाँ महिला सत्संग होते हैं, स्पेशली तो महिलाओं में मैं इसकी ज़्यादा जागरूकता जगा रही हूँ, क्योंकि एक गृहिणी घर में सारा इस चीज़ को संभालती है, जितने भी ये यूज़ कर रहे हैं जो चीज़ें हैं प्लास्टिक की और घर गृहस्थी में जो काम में ले रहे हैं, खाने पीने की, फ्रिज की, जितनी चीज़ें हैं, तो सबसे पहले तो महिलाएँ यदि इसमें जागरूक होगी और वो इस आदत में सुधार करेगी तो निश्चित रूप से पूरा परिवार उसमें सुधार लाएगा, सबकी आदत पड़ जाएगी। और हमारा महिला संगठन, हम जा जाके सब जगह इनको बता रहे हैं, एक एक थैला तो सबको भेंट कर ही रहे हैं, लेकिन सबको पूरी मन की बात बता रहे हैं और उन्हें भी इस अभियान में जुड़ने की बहुत बड़ी अपील कर रहे हैं कि आप इसमें साथ देंगे, सब इसमें साथ जुड़ेंगे तभी ये सफल हो पाएगा, अन्यथा एक दो से नहीं सफल हो पाएगा। लेकिन कहते हैं ना कि एक एक बूंद से ही गढ़ा भरता है और उसी तरह एक एक लोग हमारे साथ इसमें जुड़ते जा रहे हैं तो निश्चित रूप से इसमें सफलता मिलेगी। मैं सबसे करबद्ध रिक्वेस्ट करना चाहती हूँ कि सरकारें जब करेगी तब करेगी, बहुत सारे स्टेट्स में तो पूरी तरह से बैन हो गया है सब पे प्लास्टिक की थैलियों पे, लेकिन अभी हमारे दिल्ली में नहीं हुआ है। सरकारों का काम सरकारों पे छोड़ दें, हम यह ना करें कि कई जगह से मेरे पास ये क्वेश्चन होते हैं कि जब ये बननी बंद हो जाएगी, सरकार बैन कर देगी तो अपने आप बंद हो जाएगी, वहाँ कब सिस्टम लागू होता है, कैसे शुरू होता है, हम उस पर ना जाएं। हमें सिर्फ अपनी ड्यूटी पूरी करनी है। आज इस कचरे को बढ़ाने में, इस प्रदूषण को बढ़ाने में जब हमारी पहल थी, हमने ऐसे किया है, तो इसको सुधार करने का भी परम कर्तव्य हमारा ही बनता है। और मैं सभी से ये अपील करती हूँ कि सब इसमें शुरुआत करें, प्लास्टिक की छोटी थैलियों से करें और धीरे 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 हर चीज़ को प्लास्टिक जितना हटा सके अपने जीवन से हटाएं। हम महामारियों से बचेंगे, बीमारियों से बचेंगे, कैंसर जैसी बीमारी से बचेंगे, साथ ही अपनी धरती माता पर जो एक हमारा कर्ज है, प्रकृति के प्रति जो हमारा एक कर्ज है और एक फर्ज भी है, उन दोनों का हम कर्ज को उतार पाएंगे, फर्ज को पूरा कर पाएंगे और समाज को एक साफ सुथरा एटमोसफेयर दे पाएंगे, आने वाली पीढ़ियों के लिए एक बहुत सुंदर वातावरण बना पाएंगे। तो सभी इसमें सहयोग करें, मैं यही एक सबसे बड़ी अपील करती हूँ मेरे पूरे दिल्ली वासियों से, सभी समाज जनों से, सभी जनमानस से। इसी के चलते मैं आपसे विदा लेती हूँ, फिर हाजिर होंगे कुछ और नई खबरों के साथ, देखते रहिए तब तक हमारे साथ न्यूज 81 एंटरटेनमेंट।